ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब गाइस? टैरेट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओके गाइस, आज मैं फिर आ गई हूँ एक पीको कार्ड रीडिंग लेकर। और आज मेरे पास है ये पिटारा, देखिए मेरे पास ये दो, मैंने ब्यूटीफुल से दो बॉल्स यहाँ पर रखे हैं। ओके, और ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, ये है वाइट फ्लावर पाइल नंबर 1 और ये है पर्पल फ्लावर पाइल नंबर 2। ओके, तो आज की जो हमारी टॉपिक है गाइस वो रीडिंग की, वो ये है कि जो आपको छोड़ कर गए हैं ना, ओके, जो आपका दिल तोड़ कर गए हैं, जो आपको अकेला छोड़ कर गए हैं, क्या वो वापस आएंगे? आज की टॉपिक ये है गाइस। ओके, मुझे इस टॉपिक पर बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो मैं आज कोशिश करूंगी इसी टॉपिक पर रीडिंग की जाए। गाइस देखिए, आप में से बहुत लोग हैं जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मुझसे मांग रहे हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जो है मेल्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। पर गाइस, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अभी जो है, अभी मैं पर्सनल रीडिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही गाइस, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके ही दिए हुए टॉपिक पर मैं कोई वीडियो बना दूँ ताकि आप सबको उससे हेल्प हो जाए। ओके, मैं मेरी तरफ से इतना तो आप सबके लिए कर सकती हूँ गाइस। पर्सनल रीडिंग अभी मैं नहीं कर पा रही, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ गाइस, क्योंकि बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है, टाइम वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है। ओके, तो जब मैं स्टार्ट करूँगी पर्सनल रीडिंग तब डेफिनेटली आप सबको पता चल ही जाएगा, मैं अपना सब डिटेल्स तब दूंगी। पर अभी के लिए मैं आप सबके लिए रीडिंग्स बना रही हूँ गाइस, आपके कमेंट्स ले लेकर। ओके, तो आई होप आप इस बात को जो है समझेंगे, मेरी प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे। ओके, सो गाइज, आज की जो रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे, क्या वो पर्सन जो आपको छोड़कर गए हैं वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में दोबारा या नहीं? ओके, तो इस पर आज हमारी रीडिंग है। तो ये है पाइल नंबर 1 वाइट फ्लावर, ओके, और ये है पाइल नंबर 2 पर्पल फ्लावर। तो आपको जल्दी से जल्दी ऐसे चूज करना है। ओके, क्या करना है? चूज करना है गाइज, आप चूज कर लीजिए जल्दी से अपने पर्सन को। सोचिए, ओके, दिल लगाकर सोचिए, दिल से सोचिए, अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स रखिए। नेगेटिव फील करके, नेगेटिव सोच के उस पर्सन के बारे में आप देखेंगे तो सब कुछ नेगेटिव ही होगा गाइस। ओके, तो पॉजिटिव सोचना है। अगर वो छोड़कर भी गए तो आपको नफरत नहीं करनी है गाइस, नफरत करने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। ओके, सो ये है पाइल नंबर 1 गाइस, इसकी हम आज बहुत सारी चीज़ें गाइस देखें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सब आज निकालेंगे। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1, इसकी हम अब स्टार्ट करेंगे रीडिंग। ओके गाइस, क्या वो जो आपको छोड़ कर गए हैं आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे? ओके, पॉसिबिलिटीज कितनी है या नहीं है? ओके, कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपकी रीडिंग से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो चीज़ है जो उन्हें रोक रही है आप तक वापस आने में। ओके, वो सब चीज़ें हम आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पॉजिटिव रहिए। गाइस, मैंने कर ली है शफलिंग। ओके, आई होप इतना काफ़ी है। निकाले कार्ड्स, पहला कार्ड, तो पहला कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड्स। दूसरा है वाओ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ नाइस, एक्सीलेंट, सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग। ये है आगे आपका एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, टेन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, जस्टिस एंड लास्ट वन है टू ऑफ कप्स। वाओ, अगेन वाओ, देखिए यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ टू ऑफ कप्स। ओके, वाओ 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 कार्ड्स आ गए गाइस। मैं तो खुश हो गई, आपका नहीं पता मुझे। ओके, पर सब कार्ड्स को कंबाइन करके देखना होता है तो उसे के बाद पता चलेगा। ओके, कि क्या होने वाला है।
सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. ओके गाइस, सो गाइस देखिए, आपके जो पर्सन है वो हो सकते हैं एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फायर साइन लियो सेजिटेरियस और एरिस. कुछ लोगों के लिए ये वाटर साइन हो सकता है कैंसर स्कॉर्पियो और पाइसेस. ओके, तो ये आपकी भी एलिमेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन की भी एलिमेंट हो सकती है गाइस. ओके, तो देखिए गाइस, मैं जो है कार्ड्स को थोड़ा इधर उधर कर देती हूँ. ओके, ताकि आपको ये जो है अच्छे से समझ में आए. ठीक है, इसे मैं उठा लेती हूँ, इसे यहाँ रखती हूँ. बस इतना ही करना है गाइस, और कुछ नहीं. बस ऐसे. ओके, बस इतना करने से जो है मैं आपको क्लियरली समझा पाऊंगी ना. ऐसे रख देती हूँ. ओके, सो गाइस, आप आज का जो हमारा टॉपिक था कि क्या वो वापस आएंगे जो आपको छोड़कर गए हैं. ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ये फोर ऑफ सोर्स की. ओके, अभी जो आपके जो पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी है वो क्या है गाइस, वो ये है कि फोर ऑफ सोर्स ये दिखाता है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है अभी. ओके, ये प्रेजेंट की एनर्जी मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है. हो सकता है, हो सकता है नहीं, ये 100% श्योर है कि आप लोग ब्रेकअप पे हो. अभी ब्रेकअप पे हो आप लोग, नो कॉन्टैक्ट में हो, आप लोगों का रिलेशनशिप जो है टूट चुका है. ओके, ये दिखा रहा है यहाँ पर. तो रिलेशनशिप टूटने की वजह से भी जो है ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है. ओके, कोई एक्शन जो है ये ले नहीं पा रहे हैं. बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड अपने आप इन्होंने कर रखा है. आइसोलेटेड मतलब अपने आप को जो है अकेला इन्होंने कर रखा है. ओके, बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब्ड है अभी. हो सकता है इस ब्रेकअप की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है. ओके, जो आपके साथ हुआ है, आपके साथ जो इनकी रिलेशनशिप खराब हुई थी, इसके वजह से ये टेंशन में मुझे लग रहे हैं. ओके, इनको जो है रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है. बहुत ज़्यादा यू नो हर चीज़ में इतना ज़्यादा ये सोच रहे हैं, इनको इनकी नींद गायब हो रखी है. बहुत ज़्यादा टेंशन में ये मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर. ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं हम ये टेन ऑफ जो वैंस है इसकी बात करते हैं गाइस. ओके, देखिए, आपके ब्रेकअप के अलावा भी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है गाइस. ओके, मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है उनके कंधों पर जो है बहुत सारी जिम्मेवारी है गाइस. रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं ना, बहुत सारी जिम्मेवारी जो है ये लेकर बैठे. हो सकता है कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेकर बैठे हैं, या फिर जो है काम का जो है बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी ये लेकर बैठे हैं. बिजनेस अगर ये करते हैं तो बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी जो है ये लेकर बैठे हैं. ओके, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी भी जिम्मेवारी है, ये इनके कंधे पर आकर जो है अटक गई है, जिसे जो है वो निकाल नहीं पा रहे, जिससे वो अपना पीछा छुड़ा नहीं पा रहे. ओके, घर परिवार रिश्ते यू नो काम बिजनेस कैरियर, इन सब का जो इतना ज़्यादा बर्डन जो है, बोझ जो है ये अपने कंधे पर लेकर जो है बैठे. तो हो सकता है इसकी वजह से भी जो है इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रखा है. हो सकता है कि इनका जो है बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा, फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स हो रखी है. हो सकता है आपके रिलेशनशिप खराब होने की वजह से भी जो है इन्हें बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ हो रही है. ओके गाइज, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है गाइस, यहाँ पर मुझे ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हैंग नज़र आ रहे हैं. बहुत ही ज़्यादा ये हैंग हो गए हैं. ओके, कोई कुछ भी यहाँ पर, ये दो कार्ड्स आप देख लीजिए, दोनों कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा हैंग हो गए. ओके, समझ में नहीं आ रहा किस रास्ते पर जाना है. यहाँ पर देखिए, एट ऑफ सोर्स का जो कार्ड आया है, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है अभी. ओके, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं. ओके, और जो है इन्हें नहीं मालूम कि किस रास्ते पर जाना है. ओके, क्या सही है क्या गलत है, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. इन्होंने जो है अपनी आंखों में जो है पट्टी बांधकर ये लटक गए, हैंग हो गए. आंखों में बिल्कुल भी पट्टी बांध ली है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है. ओके, कुछ नहीं सोच रहे, जिम्मेवारी में जो है फंस गए हैं, ब्रेकअप से जो है परेशान हो गए हैं. ओके, आंखों पर जो पट्टी बांध कर बैठे हैं, अकेला अपने आप को फील कर रहे हैं, स्टक हो गए. ये दोनों कार्ड दिखाता है गाइस, ये कार्ड और ये दो कार्ड दिखा रहे हैं कि ये स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में. मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, कोई एक्शन नहीं है. ओके, जो हो रहा है हो रहा है, बस इस एनर्जी में जो है वो मुझे नजर आ रहे है अभी का जो ये है प्रेजेंट, जो मुझे ये सिचुएशन नजर आ रहा है इनका. ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये नीचे के जो चार कार्ड्स मैंने निकाले हैं. देखिए, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस,
बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ओके, अगर आपकी शादी भी इनसे हो गई है, क्योंकि ये सोलमेट जो है आपके कनेक्शन में मुझे नज़र आ रहा है, अगर शादी भी नहीं हुई है तो ये जो है आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा प्यार है आप दोनों दोनों के अंदर। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। ओके, पर किसी वजह से ये जो है रिश्ता टूट गया। ओके, किसी वजह से तो रिश्ता टूटा है यहाँ पर। ओके, हो सकता है कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो आपको टाइम नहीं दे पाए, आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए, तो उन्होंने अपने फैमिली और अपना काम कैरियर के पीछे जो है, हो सकता है उन्होंने आपके प्यार का जो है गला इन्होंने घोटा है, आपको जो है छोड़ दिया, आपके साथ ब्रेकअप ले लिया, क्योंकि इतने ज़्यादा बोझ में दबे पड़े हैं ये। ओके, इन्हें समझ में नहीं आ रहा, आंखें बंद कर रखी है, हैंग हो गए हैं, रातों को नींद गायब है इनकी। ओके, तो प्यार तो बहुत है गाइस, प्यार बहुत है, शादी तक का जो है इनका जो सपना था आपके साथ में, है ना, कि बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ रखनी है। ओके, पर ये सब शायद पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, कोई तो वजह यहाँ पर हुई है। ओके, जिसके वजह से आप लोग अलग हो गए हो। अब देखिए, मैं यहाँ पर ये इस कार्ड की बात करती हूँ, थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, थ्री ऑफ वैंड्स ये दिखाता है गाइस कि ये जो इंसान है, ये इंसान जो है अब पुरानी बातों से निकलना चाहते हैं। जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी हुई है, लड़ाई झगड़े सेपरेशन, जितनी भी गलत बातें आपके साथ पास्ट में इन्होंने की है, ये जो है थ्री ऑफ वैंड्स ये दिखाता है कि वो अब उन सब पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई नया जो है रास्ता ये देख रहे हैं कि वो रास्ता आप तक पहुंचे। ओके, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अभी भी वो प्यार आपसे करते हैं, पर किसी वजह से वो अटक गए हैं, हैंग हो गए हैं। ओके, तो डेफिनेटली जो है ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये जो है किसी का इंतजार कर रहे हैं। थ्री ऑफ वैंड्स दिखाता है कि ये किसी का इंतजार कर रहे हैं। ओके, तो ये इंतजार आप भी कर रहे हो, ये आपकी भी एनर्जी है गाइस, ये इंतजार जो है आपको भी उनका इंतजार है, आप उनके इंतजार में बैठे हो और वो पर्सन जो है वो भी जो है आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा इंतजार है किसी का, और वो कोई आप ही हो। ओके, और ये जो है आपको जो है ये डेट करने के लिए भी रेडी है, डेट समझते हैं ना आप, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ डेट करने के लिए ये बहुत जो है बेसब्री से जो है आपका इंतजार कर रहे हैं, और आप भी उनका कर रहे हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी उनका बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हो और सिमिलरली वो भी कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। ओके, जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि आपको इनसे जस्टिस चाहिए, आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, ये दोनों कार्ड देखिए। ओके, तो आपको भी इनसे जो है कोई न्याय की जो है आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि ये आपको इंसाफ दे, क्योंकि आपका जो इतना खूबसूरत रिलेशनशिप था पास्ट में, है ना, तो आप चाहते हो कि आप ये जो पर्सन है आपके लाइफ में वापस आए। आप बेसब्री से दिन रात जो है आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इनका इंतजार कर रहे हो, आप इनके लिए रो रहे हो। ओके, और आपको जो है इनसे जस्टिस चाहिए, और ये भी जो है देखिए आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, आपको डेट करना चाहते हैं, पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये भी जो है आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे आया है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सबसे अच्छा कार्ड ये है यहाँ पर। ओके गाइस, तो जो भी पुरानी बातें हुई है वो उसे भूलकर जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, किस्मत का जो पहिया है जो है उसे वो फिर से घुमाना चाहते हैं, घुमाकर जो है वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। ओके, वो ये जो एक सर्कल है गाइस, इस सर्कल को तो पूरा होना ही पड़ेगा। ओके, जो प्यार हुआ, प्यार के बाद जो ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद में जो है फिर से ये जो है सर्कल, ये सर्कल जो है एक बार फिर ये किस्मत का पहिया फिर से घूमेगा, जरूर घूमेगा, और ये जो है वापस आपके पास आएगा, 100% जो है वो आपके पास आएगा, पर इसके लिए जो है गाइस थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए अभी उनकी जो करेंट सिचुएशन जो है वो यहाँ पर ये है, बिल्कुल हैंग पोजीशन में है, समझ में नहीं आ रहा, रिश्तों के बीच जो है दबे पड़े हुए। ओके, तो इन सब से निकलने में जो है उन्हें टाइम लगेगा, उनकी दिली ख्वाहिश ये है उनकी इच्छा, जो वो जो है आपके साथ क्या चाहते हैं ये कार्ड्स में शो हो रहा है, आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ जो है आपको अपनी दुनिया मानते हैं। ओके, आपके साथ डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर किसी वजह से फंसे हुए हैं। ओके, अपनी पुरानी बातों को, अपनी पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर जो है ये बिल्कुल अभी फंसे हुए हैं, तो इन्हें आपको जो है थोड़ा टाइम देना होगा कि ये जो है वापस आपके लाइफ में आए। ओके, वापस अपने आपके लाइफ में आएंगे, नई शुरुआत भी करेंगे। ओके, आपको जो है डेट भी करेंगे, आपको बहुत सारा प्यार भी करेंगे, आपको जो है जस्टिस भी देंगे। तो गाइज, बहुत ही प्यारा
पाइल नंबर वन बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। ओके, तो जो आज का जो क्वेश्चन था, क्या वो वापस आएंगे? पाइल नंबर वन, क्या वो वापस आएंगे? विल दे कम बैक इन योर लाइफ? तो इसका आंसर है यस, यस दे विल कम बैक इन योर लाइफ। वो आपके लाइफ में वापस आएंगे, पर इसके लिए टाइम लगेगा। इन्हें जो है अपनी पुरानी सब चीज़ों से जो है बाहर निकलने का टाइम दीजिए। ओके, इन्हें कुछ खुद खुद इन्हें जो है स्टेप लेना होगा आपके लिए। ओके, आप इन्हें किसी चीज़ के लिए भी फोर्स मत कीजिए। जब टाइम आएगा ये आपके पास डेफिनेटली वापस आएंगे, आपको एक न्याय भी देंगे। ओके गाइस, तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर आपके लिए क्या क्या है। ओके, बहुत सारी चीज़ें है गाइस। ओके, रीडिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो आपको इंतज़ार करना है। देखिए, प्लीज़ कम बैक, ये देखिए थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी, प्लीज़ कम बैक। के प्लस ए मिक्स है गाइज। ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी, वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दे। एम्प्टीनेस, जी हाँ ये एम्प्टीनेस है बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा खाली हो चुके हैं। ओके, पेनफुल, बहुत पेन में भी है, दर्द में है। आई मिस यू, वो आपको मिस कर रहे हैं। यू आर ब्यूटीफुल, आप बहुत ही खूबसूरत हो। ओके, नंबर फाइव देखिए, हो सकता है उनका बर्थ डेट हो ये। नंबर 23, नंबर 19, वन, ये उनका बर्थ डेट या आपका हो सकता है गाइज। ओके, 21, नंबर 12, 18, नंबर 8, 31, यू आर माई लाइफ, आप उनकी ज़िंदगी हो। डू यू एवर मिस मी, वो पूछ रहे हैं कि आप उन्हें मिस करते हैं। आई मे बी फार बट आई एम क्लोज टू योर हार्ट, वो कह रहे हैं कि वो आपसे भले ही दूर हो पर आपके दिल के बहुत ही करीब है। ओके, डू यू रिमेम्बर आवर फर्स्ट डेट, क्या आपको उनके साथ बिताई हुई पहली डेट याद है? डू यू लव मी, क्या आप उन्हें प्यार करते हैं? गाइज, यू आर माई डेस्टिनी, आप उनकी किस्मत हो। योर मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल, आपकी यादें कभी भूली नहीं जा सकती। ओके, और यहाँ पर देखिए, आई लव यू, आई लव यू, सॉरी, आई लव यू। ओके, अनब्लॉक मी प्लीज़, वो कह रहे हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दे। हो सकता है उन्होंने ही आपको कर रखा हो। ओके, पर वो ये कह रहे हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दे। नंबर 13, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 24, यहाँ से कुछ देख लेते हैं गाइस। ओके, ई प्लस आर, ये ब्लैंक आ गया, इसे यहाँ रख देती हूँ, ये भी ब्लैंक आ गया। ई प्लस ए, पी प्लस एस, क्यू प्लस, सॉरी, ओ प्लस आर, जेड प्लस आर, आर प्लस एक्स, एस प्लस आई, ए प्लस एस, एक्स प्लस ए, एस प्लस एस, एस प्लस एच, जे प्लस एस। गाइस देख लीजिए, इनमें से सब कुछ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, कुछ भी अगर नंबर्स या नेम या फिर मैसेजेस में से कुछ भी अगर आपके रेजोनेट हुई हो तो वो मैटर करता है। ओके, नंबर 27, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें क्या है देखते गाइस। देखिए, एक शायरी है आपके लिए। उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह वाह। ओके, तो ये शायरी उन्होंने आपके लिए भेजी है। ओके, तो वो चाहते हैं कि आपकी यादों के सहारे जो है वो रहे। ओके, तो इन्हें नहीं मालूम कि जिंदगी की शाम कब हो जाए, वो तो किसी को भी नहीं मालूम होती, खैर है ना। तो अपनी आपकी यादों के सहारे जो है वो अभी रह रहे हैं गाइस। ओके, तो ये थी पाइल नंबर वन आपकी रीडिंग। ओके, आई होप आपको पसंद आई है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी। ओके, तो जो वो पर्सन जो आपके हैं जिनकी यादों में आप तड़प रहे हैं, तो वो
वापस आएंगे, वापस आने के बहुत सारे चांसेस है। ओके, तो इसके लिए जो है आपको पॉजिटिव रहना है, पर वो आएंगे इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है उनके इंतजार में बैठे रहे। ओके, आपको भी अपनी लाइफ धीरे धीरे चलानी है, जिंदगी बढ़ाती रहनी है। ओके गाइस, सो इतना कहते हुए मैं अभी जा रही हूँ गाइस, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना है आप सबको। ओके, मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रहना है। तो इतना कहते हुए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, आई लव यू ऑल। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया था, ये पर्पल फ्लावर। ओके, तो अब हम आपकी स्टार्ट करेंगे रीडिंग। सॉरी गाइस, तो आज का हमारा जो सवाल था कि क्या वो वापस आएंगे। ओके, विल दे कम बैक, जो छोड़कर गए हैं आपको। ओके, जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, या फिर जो मैरिड होते हुए भी जो है आपको छोड़कर गए हैं, आपका डिवोर्स हुआ है, अगर आप उनके इंतज़ार में बैठे हो तो हम कोशिश करेंगे देखने की। ओके, कि क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएंगे या नहीं। ओके, तो पॉजिटिव रहिए। सो गाइस, मैंने कर लिया है शफलिंग पाइल नंबर 2। आप स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। ओके, दिल थाम लीजिए, पॉजिटिव रहिए। तो पहला कार्ड आया है, वाओ, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। दूसरा, टेन ऑफ पैंटिकल्स। वाओ, टू ऑफ कप्स। वाओ गाइस, यहाँ पर देखिए ना, ये देखिए, कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है आपको? दो दो एस ऑफ एस के कार्ड्स आए हैं, बिगनिंग, नई शुरुआत, और यहाँ पर तो क्या बताऊँ मैं आपको, है ना, टू ऑफ कप्स, चलिए, किंग ऑफ वैंड्स, द मून, पेज ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो ये मैंने निकाले हैं आपके लिए कार्ड्स, आठ। ओके, आठ कार्ड्स निकाले हैं टैरट से। अब इस रीडिंग के अलावा हम यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस भी है उनकी तरफ से, वो भी हम देखेंगे बाद में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो गाइस, देखिए, आपके जो पर्सन हो सकते हैं, फायर साइन लियो, सैजिटेरियस और एरीज, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कुछ लोगों के लिए ये वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हो सकते हैं। ओके, तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड मैं बताना चाहूंगी, ये टू ऑफ कप्स है। डेफिनेटली आपके जो रिलेशनशिप में है वो प्यार था। ओके, बहुत ज़्यादा प्यार था, आप दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते थे, अपना लाइफ एक दूसरे के साथ देखते थे। ओके, बहुत ज़्यादा प्यार में थे आप दोनों एक दूसरे के साथ, लाइक तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, जी पाऊंगी, इस टाइप की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर पहले आपकी नजर आ रही है, कि फुल ऑफ लव, आपकी रिलेशनशिप प्यार ही प्यार से भरी हुई थी। ओके, बहुत ज़्यादा, शादी तक की बातें, एंगेजमेंट तक की बातें, ये सब चीज़ें जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे नजर आई है। और मुझे लगता है कि आप में से हो सकता है कई लोगों की शादी भी हो गई थी, शादी हो गई थी। ओके, पर शादी के बाद हो सकता है आप लोगों में सेपरेशन आया है। ओके, शादी होने के बाद भी आप लोग जो है सेपरेट जोन में हो। ओके, या फिर हो सकता है कि साथ ही हो, पर वो जो एक रिलेशनशिप में, जो कपल में रिलेशनशिप होना चाहिए, उस रिलेशनशिप में नहीं हो अभी। ओके, तो सेपरेशन भी आया है, बहुत प्यार होते हुए भी जो है शादी होने के बाद भी हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो, और कई लोगों की जो है शादी नहीं हुई है, पर शादी तक की बातें फिक्स हो गई थी। इतना ज़्यादा प्यार जो है मुझे पहले के रिलेशनशिप में जो है नज़र आ रहा है। ओके, शुरुआत में,
पर यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया है गाइज, ओके। यहाँ पर जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा आपके रिलेशनशिप में आई है। हो सकता है कि उनकी फैमिली की तरफ से या फिर आपके फैमिली की तरफ से जो है आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उनकी फैमिली ने क्रिएट की है, ओके। फैमिली इश्यूज के वजह से मुझे लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है खराब हुआ है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी मुझे नजर आ रही है, फैमिली, थर्ड पार्टी और कोई नहीं, फैमिली इश्यूज। या तो हो सकता है आपकी फैमिली या फिर हो सकता है उनकी फैमिली की वजह से जो है आप दोनों में जो है डिस्टेंस आया हुआ है अभी, ओके। या तो आप लोग अलग हो गए हो या फिर साथ में होते हुए भी अलग के बराबर ही हो, सेपरेशन मोड में ही आप लोग मुझे नजर आ रहे हो, ओके। तो पहले देखिए यहाँ पर द मून का जो कार्ड आया है, द मून का कार्ड भी यही शो कर रहा है कि प्यार होते हुए भी जो एक रिलेशनशिप में जो एक कमिटमेंट चाहिए होती है ना, वो कमिटमेंट जो है आपके पर्सन जो है आपको कभी अच्छे से दे नहीं पाए। हाँ, प्यार बहुत था, पर इसी फैमिली इश्यूज की वजह से मुझे लग रहा है कि वो आपको जो है कोई भी कमिटमेंट जो है नहीं दे पाए, ओके। ज्यादा सीरियस सीरियस होते हुए भी, प्यार करते हुए भी जो है उन्होंने कभी जो है आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दी है रिलेशनशिप में, ओके। ये द मून का ये कमिटमेंट देते हुए मुझे नजर नहीं आया पास्ट में गाइस आपके साथ में, ओके। तो जिसकी वजह से आप हमेशा कंफ्यूज रहे हो कि ये इंसान मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, शादी करेगा भी या नहीं, है ना। कोई कमिटमेंट मुझे जो है ये नहीं दे रहे हैं, ओके। तो इस कमिटमेंट की ना देने की वजह मुझे यहाँ पर जो है उनकी फैमिली जो है नजर आ रही है, ओके। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वैंड्स का जो कार्ड आया हुआ है, किंग ऑफ वैंड्स ये दिखाता है कि कमिटमेंट तो इन्होंने नहीं दिया आपको, ओके। शायद कहा हो कि प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, ये सब कहा हो, पर कमिटमेंट नहीं दी। और हमेशा जो है अपनी फैमिली, और ये किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये शो करता है कि हमेशा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ज्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस वैल्यू दी है आपके, आपसे भी ज्यादा। अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को और अपने काम को इन्होंने जो है हमेशा प्रायोरिटी दी है। आपको जो है इन्होंने कभी भी उतनी वैल्यू नहीं दी जितनी जो है इस रिलेशनशिप में चाहिए थी आपको, ओके। हमेशा आपको जो है इग्नोर किया है इन्होंने पास्ट में, ओके। तो इस इग्नोरेंस के वजह से आपका जो दिल टूटा है, तो इस दिल टूटने की वजह से, फैमिली के इश्यूज के वजह से जो आप दोनों का मुझे जो है यहाँ पर ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है, ओके। गाइज यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये फीलिंग्स आ रही है कि देखिए यहाँ पर ये एस ऑफ वैंड्स, दो एस आए हैं, एस ऑफ वैंड्स और एस ऑफ कप्स, ओके। ये जो है प्यार का जो कप, ये प्यार का जो कप है ये, ओके। और यहाँ पर जो है एस ऑफ वैंड्स थोड़ा सेक्स को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, ये प्यार को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो ये पर्सन जो आपके हैं वो आपसे बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड थे, बहुत ज्यादा आपके साथ जो है ना फिजिकल, आपकी जो फिजिकल लुक्स है उसके ऊपर जो है ये बहुत ज्यादा पास्ट में जो है आपके साथ अट्रैक्टेड रहे हैं, ओके, अट्रैक्शन वाइज, ओके। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है गाइस कि पास्ट का इंसान जो है वो डेफिनेटली आपके पास आना चाहता है, पर मुझे यहाँ पर दूसरे इंसान की एंट्री नजर आ रही है आपके फ्यूचर में। ऐसा कोई एक इंसान आने वाला है आपके लिए, ये पुराना भी आएगा, जो आपका एक्स है वो भी आएगा, ओके। पर यहाँ पर एक कोई है जो बहुत ज्यादा प्यार लेकर जो है आपके लाइफ में किसी दूसरे इंसान की एंट्री होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है गाइज, ओके। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वैंड्स भी दिखाता है कि कोई नया इंसान जो है आ सकता है आपकी लाइफ में। ये किंग ऑफ वैंड्स भी दिखाता है कि कोई एक नया इंसान जो है आ सकता है आपकी लाइफ में, ओके। किसी नए पर्सन की एंट्री यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रही है गाइस, देखिए, ओके, बहुत ज्यादा नजर आ रही है कि कोई कोई है जो मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों को किसी ने प्रपोज कर रखा है गाइस। कोई नया इंसान है आपके एक्स के अलावा, कोई एक नया इंसान है जो हो सकता है आपको सोशल साइट्स के थ्रू मिला हो सकता है आपकी उनसे चैट में बातें हो रही हो। आप व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए ये मैं बता रही हूँ, मुझे लग रहा है कि किसी ने आपको प्रपोज तो कर रखा है। अगर प्रपोज भी नहीं किया तो कोई है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको लव प्रपोजल दे रहा है, फ्रेंडशिप का प्रपोजल जो है आपको दे रहा है, ओके। मुझे नए इंसान के आपके लाइफ में आने की बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे टू दो दो जो है एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वैंड्स यहाँ पर जो है आया मुझे नजर आ रहा है गाइज, ओके। जो आपके पिछले जो पर्सन थे वो आपके साथ बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ओके।
और यहाँ पर एक देखिए कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का। हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये शो करता है कि हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा हील करने की कोशिश कर रही हो। जो भी पुरानी बातें, जो भी पुरानी रिलेशनशिप की वजह से आपको जो दर्द मिला है, आपको जो घाव मिला है ना, तो आप हो सकता है कि उस रिलेशनशिप से आपको अपने आप को जो है हील करने की कोशिश कर रहे हो। अपने जो जख्म पर जो है आप दवा लगाने की कोशिश में आप लगे हुए हो। बहुत ज्यादा अपने आप को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश जो है आप कर रहे हो गाइस। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा इंसान है जो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि एक ऐसा इंसान है, ये आपका एक्स भी हो सकता है या फिर ये नया पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ लाइफ बिताना चाहता है, जो आपके साथ शादी करना चाहता है, जो आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ देख रहा है। एक ऐसा इंसान है जो डेफिनेटली आएगा वापस, जो डेफिनेटली आने की सोच रहा है। यहाँ पर दो देखे, ये दो कार्ड्स मुझे नजर आ रहा है इसलिए मैंने दो लोगों की बात कही है। आपका एक्स भी आपके पास आना चाहता है, आएगा, और ये जो नया पर्सन है वो भी जो है आपके लाइफ में। दो इंसान मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं जो आपके लाइफ में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। दो, दो इंसान यहाँ पर डेफिनेटली है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है गाइस। यहाँ पर एंट्री तो हो रही है। यहाँ पर जो है ये पेज ऑफ वैंड्स भी यही दिखाता है कि किसी की एंट्री हो रही है, होने वाली है। तो आपको जो है आप मुझे कमेंट्स करके बताना क्या किसी और ने भी, आपके एक्स के अलावा किसी और ने भी आपको क्या प्रपोजल दे रखा है शादी का, या फिर कोई लव लव का प्रपोजल, एंगेजमेंट का, या फिर डेटिंग का, कि आप हमसे मिलो, कुछ बातें आगे बढ़ाओ, इस टाइप का क्या किसी और ने आपको प्रपोजल दे रखा है गाइज। ये अलग बात है कि आप जो है अपने पुराने पर्सन के लिए ही आप पागल हो रखे हो, मरे पड़े हो, है ना, ये मुझे मालूम है अच्छी तरीके से। पर इसके अलावा भी अगर कोई है दूसरा इंसान तो आप मुझे कमेंट करके बताना अगर किसी ने आपको जो है प्रपोजल दे रखा है तो। सो गाइज यहाँ पर देखिए जो आज का जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या वो वापस आएंगे, तो जी हाँ, इसका आंसर है यस। एक नहीं दो आएंगे, एक इंसान नहीं दो आएंगे। एक प्यार लेकर आएगा, दूसरा जो है सेक्स लेकर आएगा, कि जो आपके साथ बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड, सिर्फ सेक्सुअली अट्रैक्टेड होगा। पर एक इंसान ऐसा आएगा जो आपको जो है ये प्यार ऑफर करने के लिए आएगा, जो आपके साथ जो है ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शादी तक की बातें लेकर जो है आपके पास आएगा। और डिसाइड आपको करना है कि आपको किसे चूज करना है गाइस, किसे चूज करना है, इन दो इंसान में से आपको किसे चूज करना है, ये डिसाइड आपको करना है। पर दो इंसान के आने की चांसेस मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं गाइस। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से पाइल नंबर टू आपके लिए कुछ मैसेजेस। ये जो मैसेजेस है यहाँ पर दो इंसान के निकले हैं एनर्जी, तो ये दोनों की तरफ से मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। आपको चूज करना है कि कौन सा आपके लिए बेटर है। कौन सा आपके लिए बेहतर होगा ये आपको चूज करना है। देखिए यहाँ पर आया है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। शायद ये पुराने इंसान की वजह से है आया है मैसेज। सैडनेस, आई वॉन्ट सी यू, ये हो सकता है नए इंसान की तरफ से है। आई एम सॉरी, गिव मी अ चांस बोल रहे हैं। फ्रेंड्स फॉर एवर। गाइज यहाँ पर ये फ्रेंड्स फॉर एवर आया है, तो यहाँ पर ये पेज ऑफ वैंड्स ये भी शो करता है कि हो सकता है कि आपके जो पुराने पर्सन थे, मुझे अभी ये देखकर याद आया कि पुराने पर्सन थे, हो सकता है कि उन्होंने आपको जो है फ्रेंडशिप की भी कभी ऑफर दी हो। ब्रेकअप के बाद शायद कहा हो कि फ्रेंड्स की तरह रहे, इस टाइप की कोई। अल्फाबेट सी आया है, देखिए हो सकता है उनका नाम स्टार्ट होता हो पी, अल्फाबेट पी, या आपका नाम स्टार्ट होता हो। आई एम स्टक्ड बोल रहे हैं, वो स्टक्ड हो गए हैं कह रहे हैं। यू आर माई प्रिंसेस बोल रहे हैं, आपको प्रिंसेस कह रहे हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स कह रहे हैं, तो हो सकता है ये नए पर्सन की एनर्जी मुझे नजर आ रही है गाइज। अल्फाबेट्स देख लीजिए, पी प्लस आर, पी प्लस ए, बी प्लस आर, जे प्लस एस, ए प्लस पी, एफ प्लस क्यू, ए प्लस ए, ए प्लस ई, आर प्लस एफ, एस प्लस एक्स, सी प्लस के, एन प्लस ए, आर प्लस जे, एन प्लस ए, डी प्लस आर। नंबर 10 देखिए उनका बर्थ डेट हो सकता है। 25, 26, 29, 20, 22,
नंबर 14, आर यू स्टिल एंग्री, पूछ रहे कि आप उनसे नाराज हो. ओके, आर प्लस ई. नंबर 28, नंबर 17, नंबर 15, नंबर 9, नंबर 16, नंबर 3, लोनलीनेस. नंबर 30, नंबर 11. ओके, और यहाँ पर देख लेते क्या है आपके लिए. शायरी है गाइस, पढ़ लेती हूँ. हर शाम से तेरा इंतजार किया करते हैं, हर ख्वाब में तेरा दीदार किया करते हैं. दीवाने ही तो है हम तेरे, जो हर वक्त तेरे मिलने का इंतजार किया करते हैं. तो यहाँ पे एस ऑफ वैंस और एस ऑफ कप्स की जो है एनर्जी आई है न्यू बिगनिंग की. ओके, सो गाइस देखिए, बहुत क्लियरली यहाँ पर पता चल चुका है कि यहाँ पर दो इंसान की एंट्री होने वाली है. ओके, जो हमारा आज का जो सवाल था, क्या वो वापस आएंगे? तो हाँ, आएंगे, जरूर आएंगे वापस. ओके, पर दो इंसान आएंगे, दो आएंगे. ओके, दो में से आपको एक चूज करना है कि कौन आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, जो आपको प्यार करे. ओके, जो सेक्स सिर्फ सेक्स की बातें करने के लिए आए, उन्हें जो है आप खिड़की से बाहर फेंक दीजिए उठाकर. ओके, ऐसे इंसान को खिड़की से बाहर ही फेंकना है. ओके, जो प्यार का ऑफर लेकर आया है, उन्हें चूज करना है. ओके गाइज, सो ये पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग. ओके, आई होप कुछ बातें क्लियर हुई हो. और ये नंबर, नाम्स, मैसेजेस में से सब कुछ रेजोनेट हो, ये जरूरी नहीं है. जो रेजोनेट होती है उसे लेना है, पॉजिटिव रहना है, लाइफ में मूव ऑन होना है. कोई आए ना आए, आपको जो है चलते जाना है. जो जिसे आना होगा वो आ जाएगा. ओके गाइस, सो इतना कहते हुए मैं अभी रीडिंग क्लोज कर रही हूँ. फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में. कमेंट करके बताना मुझे सब कुछ. ओके, कितनी रेजोनेट हुई है, नहीं हुई. ओके, सो आई लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. नमस्ते, टेक केयर एंड बाय.